वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एरिस्टोटेलेस ने। भूगोल के लिए ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का जो टर्म थी इसका यूज सबसे पहले किसने किया था? एरिस्टोटेलेस जो थे इन्होंने ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का वर्ड टर्म का यूज किया था। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था? एरिस्टोटेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल से संबंधित मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने। भूगोल से संबंधित मेट्रोलॉजिया नामक जो बुक थी इसकी रचना किसने की? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। बादलों की दिशा, जो बादल होते हैं उनकी डायरेक्शन और इनकी स्पीड को मापने वाला जो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। नेपोस्कोप जो होता है बादलों की दिशा और गति मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। ओपिसोमीटर जो यंत्र होता है इसका यूज किसमें किया जाता है? दूरी मापने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। उच्च तापमान के मापन के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। मानचित्र में मैप में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। मानचित्र पर वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए किस रेखा का या किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम मैक्सिमम जो डिस्टेंस कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और जो अपनी पृथ्वी है इनके मध्य सबसे अधिकतम दूरी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। ये ओलंपस मेसी है, इसमें करेक्शन कीजिएगा। ओलंपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। ओलंपस मॉन्स की जगह इसको रिप्लेस कीजिएगा ओलंपस मेसी। ये ज्वालामुखी है सबसे बड़ा, ये कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश पर धरती या पृथ्वी तक पहुंचने में। ये 8.3 मिनट का टाइम लेता है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में